सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और दबाए इस बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट सबसे पहले। तो जैसा कि आप देख सकते हैं नया हमारा है सैमसंग का 1200Y मॉडल, जिसमें क्या है कि प्रॉब्लम यह है कि नेटवर्क नहीं आ रहा। तो मैं इसका सलूशन क्या हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो को देखिएगा लास्ट तक बिना किसी स्किप के। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो सबसे पहले करना क्या है, जो मैं एक ट्रिक बताऊंगा आपको, वो करना है आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम है जो 100% सॉल्व हो जाएगा। तो इस वीडियो को देखिएगा लास्ट तक। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको नेटवर्क एंटीना का लाइन चेक कर लेना है। उसके बाद अगर लाइन आपका ओके हो तो ये जो आपको दिख रहा है बीच में क्रिस्टल, उसको मैंने रिप्लेस किया है, चेंज किया है। जो मेरा प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। चेंज करते वक्त वीडियो मैं इसलिए नहीं बना पाया, इसलिए शूट मैं नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा जो मोबाइल है जो मैं इससे शूट करता हूँ वो हॉटगन पे रखता हूँ। हॉटगन के जो हवा निकालने वाला एयर वाला होता है उसी पे रखता हूँ, तो उसी से मैं इसे हिट करके आईसी इसको क्रिस्टल को चेंज कर रहा था, इस आईसी को चेंज कर रहा था, तो मैं उसे शूट नहीं कर पाया। लेकिन मैंने ऑलरेडी चेंज कर दिया है, तो मैं एक बार अभी तक देखिए मैं एक बार नेटवर्क कंटिन्यूस लेकर टोटल लाइनिंग चेक कर लेता हूँ नेटवर्क आईसी तक। तो ये हमारा ओके था पहले भी, अभी मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ ये हमारा ओके है। अगर ओके नहीं रहेगा तो आपको सिंपली वहाँ से लेकर यहाँ तक जम्पर कर देना है। तो ठीक है, हमारा नेटवर्क एंटीना का लाइन जो है नेटवर्क आईसी तक ओके है। तो जो प्रॉब्लम था वो हमारा क्रिस्टल से था, क्रिस्टल से इसे वर्क नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से नेटवर्क क्रॉस रह रहा था, कभी आ रहा था कभी नहीं आ रहा था। तो मैं इसे लगा दिया हूँ, अब मैं इसका जो पेस्ट है उसे थोड़ा क्लीन कर लेता हूँ। क्लीन करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारा नेटवर्क है जो वर्क कर रहा है कि नहीं। तो इसके मैं सबसे पहले कैप को लगा लेता हूँ, इसका ढक्कन आईसी कवर को लगा लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ कि हमारा नेटवर्क है जो काम कर रहा है कि नहीं। अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो, तो मुझे कॉमेंट करिएगा, मैं कॉमेंट के जरिए रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए मैं इसे एक बार फिट करके आपको दिखा देता हूँ कि हमारा जो प्रॉब्लम है कि सॉल्व हुआ कि नहीं। मैं बता दूं कि सबसे पहले मैंने इसका नेटवर्क एंटीना का लाइनिंग चेक किया था, उसके बाद ही मैंने इस क्रिस्टल को चेंज किया है। तो आपको मैं बता दूं, शॉर्ट ट्रिक दे दूं कि आप पहले इसको क्रिस्टल को हीट करके देखिएगा, उसके बाद अगर वर्क नहीं करे तो उसे कोई अदर सैमसंग फ़ोन में से निकाल के नंबर दे के और लगा दीजिएगा, आपका प्रॉब्लम है जो 100% सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए मैं इसे लगा लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको चेक करके दिखाता हूँ। तो मैंने आईसी कवर को लगा दिया है। और दोस्तों, मैं ऐसे ही मोबाइल से रिपेयरिंग से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूं जो आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइबर के मुझे सख्त ज़रूरत है, क्योंकि अभी हमारे चैनल पर बहुत कम सब्सक्राइबर है, शायद 1200 से 1300 तक होंगे। तो देख सकते हैं मैंने कवर को लगा दिया, मैं अब सिम कार्ड को लगा लेता हूँ, उसके बाद बैटरी को लगा के मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुआ कि नहीं। तो देख सकते हैं हमारा सैमसंग 1200Y है, फ़ोन हमारा जो है ऑन हो रहा है। उसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ कि नेटवर्क हमारा जो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हमारा फ़ोन ऑन होने ही वाला है, तो फिलहाल मैं बता दूं कि देखिए हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है। मैं इसे कट कर देता हूँ, नाम सोहरा जिनका फ़ोन है तो भी कट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से पहले नेटवर्क क्रॉस रहता था, लेकिन अब देखिए हमारा जो टावर है वो फुल आ गया, नेटवर्क फुल आ गया, तो ट्रिक जो हमारा काम कर रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग भारत माता की जय, जय हिंद, वंदे मातरम।